मेरे पीछे ये झूला देख सकते हैं बहुत स्पीड पर जो ये चल रहा है इस वक्त जो है, और ये माने लोग चीखों की आवाज़ जो है ना यहाँ तक आ रही है, आप सुन भी सकते हो। चले तो ये है कि हम भी कोशिश करते हैं इसमें बैठते हैं और आपको जो है इसका थोड़ा एक्सपीरियंस करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त 50 रुपये में नाजिन ये ज़बरदस्त इलाज जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मुनासिब है। पहाड़ जो है रेट इससे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आरिफ हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी। यहाँ पर जो है गोधरा कब्रिस्तान पर जो है देख सकते हैं आप बहुत बड़ा जो है ईद फेस्टिवल जो है लग गया है। यहाँ पर आवाम का रश आप चेक करते हैं कितना आवाम का रश है यहाँ पर। और इस तरह जो है यहाँ मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, यहाँ सर्कस का भी जो इंतज़ाम किया गया। ईद फेस्टिवल जो है ये तकरीबन 3 दिन का होता है, लेकिन ये कि अभी भी चल रहा है, 14 दिन है आज, तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से अभी पूरा हफ्ता ही लगा रहेगा। तो आपने गोधरा कब्रिस्तान वाले रोड पे ही लगा हुआ है, अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो आपने ज़रूर यहाँ पर आना। और यहाँ की टिकट की अगर बात करूँ तो वो 50 रुपये टिकट है। तो हम टाइम ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। जितने भी यहाँ पर राइड्स हम कोशिश करेंगे उनको जुड़े और आपको जो एक्सपीरियंस करके बताएँ, तो आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। वालेकुम सलाम, खैरियत है। कितना टिकट दिया तुमने यहाँ पर? हमने इधर 100 रुपये दिए हुए। 100 रुपये एक बंदे? अच्छा, तीन बंदों का 100 रुपये दिए हुए। 100 रुपये अभी तक तो हमने वो भूत देखे और वो झुलक आए। भूत बंगले में गए जी? कैसा लगा भूत बंगले में? भूत मज़ा आया, नहीं डर नहीं लगते पठानों को। डर नहीं लगा? पैसे क्यों दिए भूत बंगले में जाने? बस शौक था। इसकी टिकट कितने है भूत बंगले? उसकी 50 रुपये। 50 रुपये और यहाँ पर और झूले अभी झूलोगे? कौन कौन से झूलोगे यहाँ? तो बहुत सारे खतरनाक झूले हैं, बड़े बड़े। ये मौत का कुआं बड़ा खतरनाक है जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक। यहाँ पर लेडीज़ भी मुझे नज़र आ रही है काफ़ी सारी, तो आप आशीर्वाद देना चाहेंगे अपना? जी, यहाँ का इंतज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। नीचे पैर में सारी मिट्टी है और कारपेट वगैरह भी नहीं बिछी हुई, और टिकट बाहर से इतना ले रहे हैं और अंदर से बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम नहीं है। हाँ, और बच्चों का टिकट नहीं लेना चाहिए था, फिर भी ये लोग बच्चों का इतना ज़्यादा टिकट ले रहे हैं। बच्चों के लिए वो वही टिकट है, 50 रुपये बड़ों के लिए वही टिकट है जी। कम होना चाहिए ना बच्चों का? कम होना चाहिए। लेकिन अच्छा सवाल किया आपने। और आपने झूला वगैरह आप एंजॉय किया कोई? नहीं, हम अभी अभी आए हैं बस। अच्छा, तो ईद का टाइम चल रहा है, कितनी ईदी जमा करी आपने? ईद वगैरह बताएंगे? मैंने 3-4 हज़ार कर लिए। तो यहीं पर ही सारे खर्च करने हैं या और भी? नहीं, और भी करने हैं। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कालापुर में पहली दफ़ा मेला लगा है और यहाँ सरकार। भाई आपने कौन कौन से झूले यहाँ पर इंजॉय करे था बताओ? अच्छा, बेगम की जो बाहर तस्वीर लगी है लेकिन अंदर वो है नहीं। मुमताज बेगम नहीं है? मुमताज बेगम अंदर नहीं। अरे तो फिर क्या देख कर रहा है? अंदर बैठी वो कह रही है कि हम जो 3 बहनें हाँ जानते हैं, सच बोल रही है झूठ बोल रही है, जो भी है भी आपके सामने। अच्छा, टिकट कितने कितने का तुमने लिया? टिकट सर्कस का 250 है, झूले का 150 है, भूत बंगले का 50 है, मुमताज बेगम का 50 है। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 10 रुपये गिलास पानी का बिक रहा है। अच्छा, पानी भी बिक रहा है? पानी वाह भाई, माशाल्लाह। जो बोतल बाहर हमें आ रहा है ऐसे, बाहर जो हमें दुकान पर 70 रुपये की मिली, यहाँ 100 रुपये। अच्छा, ये बात। अब आवाम को क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर? वो आवाम आए नहीं आए क्या बोलना चाहोगे? आवाम भी आवाम के बाद ईद का दिन आप एंजॉय कर रहे हैं, आम दिनों में अगर आप 70 की बोतल 100 वाली 100 में दो तो कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर आवाम मुझे एंजॉय करते हुए नजर आ रही है बिल्कुल। ये क्या दोस्त यार भी तुम्हारे आए हुए या अकेले आए हो? ये जमात भाई है, सामने आ जाए जमात भाई। अच्छा, कहाँ से आए हो सर, एड्रेस बताओगे? मस्जिद मासूम शाह कॉलोनी से। अच्छा, यही रहते हो? अच्छा, ये लगा हुआ कब से और कब तक लगा रहेगा, कुछ पता है इसका? पहले दिन से लगा और 1 महीने तक लगा रहा है। 1 महीना पूरा लगा रहेगा? ज़बरदस्त। 1 महीना बताया भाई। और बंद कितने देर ये हो जाएगा, क्या टाइमिंग है इसकी बंद होने की? रात में ये 5 बजे खुलता है तो 12:30-1 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन रश छुट्टी की उतनी रहती है, रश कम नहीं होती। अच्छा, टिकट का बताओ कितना टिकट दिया तुमने अंदर आने का यहाँ पर? तुम्हारे 250 रुपये और 50 रुपये। सिंगल बंदा अलाउ नहीं है, फैमिली के साथ अलाउ।
पहले नाजन आपको ये मालूम हमने दी, बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ रेडी है, बिस्मिल्लाह इब्ने शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा वाले कौन था इसको कोई कुछ समझता नहीं था, आज चलो झूले लगे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से जो है ना बहुत कुछ है और बहुत रश लगी हुई है। आज ईद का छोटा दिन है, इसके बावजूद बहुत रश लगी हुई है। ये अल्लाह के हुक्म से इसको पास कर दिया हम लोगों ने, ये हर साल लगेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा माशाल्लाह आपने पास कर दिया, बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। कौन कौन से झूले एंजॉय करें यहाँ पर, झूले कौन कौन से एंजॉय करें यहाँ पर? झूले तो मैंने किश्ती वाले बहुत गए हैं, लेकिन सारे फ्री में गए, क्योंकि सारे जो है ना हमारे अपने ही खड़े हुए चौकीदार वगैरह, सारे झूले फ्री में गए। ये मौत के झूले हैं, मौत के बावजूद जो है ना ये डोली वाले झूले बहुत खतरनाक खतरनाक झूले हैं। ये इतने सारे जो दोस्त यार हैं इनको भी फ्री में कराएंगे? सारे मेरे दोस्त यार इन लोगों ने फ्री में ही कहा है सारे झूले। अगर किसी और को फ्री में झूला चाहिए हो तो तुमसे रब्ता कर सकते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं। कितने का है ये? 50 रुपए का। जबरदस्त, ये सारे फ्लेवर 50-50 के हैं। सर 50 रुपए ले रहा हूँ मैं, आइट डालूंगा फिर बनाने ले रहा हूँ। आप देखिए मैं कितने देख लेंगे, मेरी मेन 50 रुपए का सिर्फ आपके लिए, वैसे सौ का क्या? वाह यार जबरदस्त, 50 रुपए में राजन ये जबरदस्त गिलास जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मुनासिब है। पहाड़ जो है रेट इससे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर मौत का कुआं भी है, और इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है वो सर्कस लगा हुआ है। साथ ही जो है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मुमताज़ बेगम और भूत बंगला, इस तरह जो है बहुत सारे आइटम वगैरह लगे हुए हैं। और इस तरफ जो है आपको यहाँ पर आइसक्रीम जो है वो खाने को मिल जाएगी, अगर आपको ठंडा खाने का शौक़ हो रहा है तो। बाकी ये है कि कबाब वबाब का भी वही ठीक ठाक इंतज़ाम किया हुआ है। अभी ये झूला थोड़ा सा रुका है तो अभी जो है ना शोर बहुत कम है, लेकिन ये कि आप देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा, और ये कि आपने ज़रूर यहाँ का विज़िट करना है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और आपसे मिलते नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।